तो दोस्तों फाइनली रजनीकांत आ रहे हैं कि नए अवतार में सब कुछ अलग होने वाला है और मूवी की हाइप आप समझ जाओ। म्यूजिक कर रहे हैं अनिरुद्ध और डायरेक्ट कर रहे हैं वन एंड ओनली नेल्सन। मूवी होने वाली है एक जेलर के ऊपर और वहां पर आपको दिखेंगे रजनीकांत। मूवी का टाइटल भी जेलर ही है और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 2023 के एंड में। मूवी की बाकी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो भैया भोकाल है पूरा का पूरा। आपको इतने तगड़े एक्शन अवतार में देखने को मिलेंगे रजनीकांत और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वो अपना जो गंजा लुक है ना, ओल्ड लुक, वो आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इससे पहले ये चीज़ उन्होंने शिवाजी में की थी जब लास्ट एंट्री उन्होंने मारी थी, तो भैया वहाँ पर इतनी सीटियाँ तालियाँ बजी, थिएटर फट गए। मूवी होने वाली है कम्प्लीटली हर एक लैंग्वेज में रिलीज। रजनीकांत चाह रहे हैं कि मेरी मूवी तमिल में हो, तेलुगू में हो, मलयालम में हो, कन्नड़ा में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो और मराठी में भी हो, यानी कि ट्रू डेफिनेशन ऑफ पैन इंडिया। आपको जो लैंग्वेज आती है भैया आपको ये मूवी उसी लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगी। और ये पहला ऐसा कोलैबोरेशन है जहां पर नेल्सन दिलीप कुमार रजनीकांत के साथ काम करेंगे। देखिए इससे पहले वो काम कर चुके हैं थलपति विजय के साथ, जिनको दर्जा दिया जा चुका है छोटे रजनीकांत का। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके की रजनीकांत की वोक होने वाली है वो बहुत तगड़ी हाइप में जाएगी, क्योंकि यार दिस इज द पावर ऑफ मिस्टर नेल्सन। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और मूवी आपको कम्प्लीटली शूट मिलेगी मैसूर और बेंगलुरु के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो भैया पहुंच जाओ। और आपके कनाडा के सुपरस्टार मिस्टर शिवराज कुमार का भी कहना है कि ही इज अ पार्ट ऑफ मूवी जिसमें रजनीकांत भी हैं, और रजनीकांत अभी बस यही मूवी कर रहे हैं। यानी कि आपको काफ़ी कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा और बॉक्स ऑफिस तो भाई फट जाने वाले हैं। हालांकि बात करें नेल्सन की पिछली मूवी की तो नॉर्थ में इतना बिजनेस नहीं कर पाए जिसका नाम बीस्ट है, लेकिन साउथ में तो भाई ये फिल्म भी अच्छी फटी थी। और ये मूवी रजनीकांत की 169th मूवी होने वाली है, मतलब ये भी अपने आप में भी एक अचीवमेंट है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको रजनीकांत की सबसे बढ़िया मूवी कौन सी लगती है जिसको बार बार देखने का मन करता है। मेरी अगर पूछी जाए तो भाई आई एम इन लव विद शिवाजी। आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मुझे बहुत जल्द नई न्यूज़, नई अपडेट्स, नई खबरों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।